हेलो गाइस, तो हम पिछले क्लास में देखे थे कि छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। किसी भी ट्रेंगल में कितने साइड्स होते हैं? थ्री साइड्स। क्या होता है? थ्री साइड्स होता है। तो जैसे हम लोग क्या किसके लिए देख रहे थे? किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल के लिए, किसी भी राइट एंगल। तो इसमें तीन साइड्स हैं, तो कितने रेशियोज होंगे? छह रेशियो होंगे। वो हम मान लेते हैं ये ट्रेंगल मेरा क्या है, ए बी सी, जिसमें एंगल बी मेरा क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, इसको इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, एंगल ये क्या है, थीटा है। इसको क्या मान लिए, थीटा है। और इस एंगल को हम लोग क्या मान लिए थे, अल्फा है। ठीक है, तो हम देखे थे क्या, किसी भी एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड कहलाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? तो इंपॉर्टेंट देखे थे कि अपोजिट साइड क्या होता है, कि हम लोग अपोजिट साइड क्या होता है, तो किसी भी एंगल के लिए, जैसे हम लोग थीटा के लिए देखेंगे तो अपोजिट साइड हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। थीटा के लिए अपोजिट साइड कौन सा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग अल्फा के लिए अपोजिट साइड देखें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके लिए अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि एडजेसेंट साइड क्या देखे थे, एडजेसेंट साइड। ठीक है, कि एडजेसेंट साइड क्या बोले थे, कि किसी भी एंगल से जो लगा हुआ साइड होता है, जैसे थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, बी सी। तो थीटा के लिए हम लोग एडजेसेंट साइड बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बी सी हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा के लिए अगर हम लोग एडजेसेंट साइड देखें, ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो हम लोग क्या बोले थे, एडजेसेंट साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, एडजेसेंट साइड या जो हम लोग का बेस होता है इसको हम लोग बी से एडजेसेंट डिनोट करते हैं। उसके नेक्स्ट होता है हम लोग का हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाइपोटेनस क्या बोले थे, कि राइट एंगल के जो सामने वाला साइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो ये बी ऑलवेज मेरा राइट एंगल रहेगा, तो उसके जो सामने है ए ए सी, वो ऑलवेज हम लोग का क्या रह जाएगा, चाहे वो थीटा हो या हम लोग का अल्फा हो, दोनों के लिए हाइपोटेनस हम लोग का क्या रह जाएगा, ए सी रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो छह थे, तो सबसे पहला हम लोग का क्या था, साइन थीटा। क्या था, साइन था। तो अगर हम लोग साइन थीटा के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या होता है, ये क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। और हाइपोटेनस ऑलवेज मेरा कौन सा रहेगा, ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, या हम लोग यहाँ से साइन अल्फा निकालें, क्या निकालें, साइन अल्फा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पी बाय एच। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बी सी। कौन सा हो जाएगा, बी सी। और हाइपोटेनस फिर से मेरा क्या रह जाएगा, ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया, जिसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। और ये पूरा नाम क्या होता है इसका, साइन होता है। क्या पूरा नाम, फुल नाम इसका क्या होता है, साइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम लोग का आता है, कि दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो होता है हम लोग का कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस। दूसरा जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कॉस। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें थीटा के लिए कॉस थीटा क्या लिखेंगे, तो ये हम लोग का बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। या हम लोग इसी को क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा, बी सी। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बी सी। और हाइपोटेनस मेरा कौन सा हो जाएगा, ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो देखेंगे कि अगर हम लोग थीटा के लिए बेस मेरा कौन सा हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, ए सी। ठीक है, या हम लोग कॉस के लिए ही क्या देखें, कॉस में अगर हम लोग अल्फा के लिए देखेंगे तो अल्फा के लिए बेस मेरा क्या हो जाएगा, ए बी। दैट मीन्स ये भी फिर से क्या हो जाएगा, बी बाय एच। और ये बेस मेरे लिए, इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ए बी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग का होता है कॉस। इसका पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, कोसाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हम लोग का, कि अगर हम लोग यहां जैसे तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखें तो उसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीसरा जो हम लोग का होगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन। तो अगर हम लोग थीटा के लिए देखेंगे, थीटा के लिए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो होता है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी। और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। दैट मीन ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी।
ठीक है फ्रेंड्स। अगर अल्फा के लिए हम लोग देखें कि अल्फा के लिए क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा के लिए हम लोग का सबसे पहले परपेंडिकुलर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। ये फिर से बोले क्या होता है, टेन अल्फा ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी बाई क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर अल्फा के लिए हम लोग बेस देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये क्या हो गया, बी सी बाई ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का पहला तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था। हम लोग नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्या हो गया था, राइट एंगल हो गया था, ये क्या हो गया था, बी को हम लोग राइट एंगल मान लिए थे, ये मेरा ए हो गया था और ये क्या हो गया था, सी हो गया था। इस एंगल को हम लोग क्या माने थे, थीटा माने थे, और इस एंगल को हम लोग क्या माने थे, अल्फा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का जो चौथा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो हम लोग का होता है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। कॉट थीटा क्या होता है कि ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो थीटा के लिए हम लोग का बेस क्या हो जाएगा, बी सी, बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हम लोग इसके लिए अगर हम लोग परपेंडिकुलर देखें, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग का जो फिर अगर हम लोग कॉट अल्फा के लिए देखें कि कॉट अल्फा क्या होगा, तो अल्फा के लिए हम लोग का बेस कौन सा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो अल्फा के लिए ये मेरा बेस हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेस हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी, बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और हम लोग अगर फिर से देखें कि इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, नीचे हम लोग का परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग का जो पांचवा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेक थीटा हम लोग का क्या होता है कि हाइपोटेनस बाई बेस का रेशियो होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस का रेशियो। तो हाइपोटेनस ऑलवेज क्या बोले थे, एसी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाइपोटेनस क्या हो गया, एसी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हमको क्या देखना, बेस, तो बेस यहाँ पे हम लोग का क्या है, थीटा के लिए बेस, बेस क्या है, बी सी है, तो एसी बाई क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। या हम लोग जैसे सेक अल्फा के लिए निकालें, ठीक है फ्रेंड्स, इस अल्फा एंगल के लिए हम लोग देखेंगे तो इसके लिए हाइपोटेनस फिर से हम लोग का क्या रहेगा, एसी रहेगा, ये क्या बोले थे, हाइपोटेनस बाय बेस का रेशियो होता है, तो हाइपोटेनस मेरा एसी रह जाएगा, और अल्फा के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली जो हम लोग का छठा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब कॉसेक थीटा के लिए जब हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का थीटा है, तो ये हम लोग का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो हम लोग इसके लिए हाइपोटेनस ऑलवेज क्या बोले, फिर से एसी ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और थीटा के लिए हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली हम लोग कॉसेक अल्फा निकालें, क्या निकालें, कॉसेक अल्फा, तो कॉसेक अल्फा फिर से हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस फिर से मेरा एसी ही रह जाएगा, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर अल्फा के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग का जो साइन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, साइन के अंदर अगर कोई भी एंगल थीटा है तो ये क्या होता है, वन बाय कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, वन बाय कॉसेक थीटा, दैट मीन्स हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये क्या होगा, वन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, वन। सिमिलरली जो मेरा हो जाएगा कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वन बाय सेक, ये क्या होता है, वन बाय सेक थीटा। तो यहां से फिर से मेरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, वन हो जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्या है कि टेन थीटा, ये टेन थीटा क्या होता है कि वन बाय कॉट थीटा होता है, ये टेन थीटा क्या होता है, वन बाय कॉट थीटा। तो इसी को अगर हम लोग फिर से लिखें तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो कि यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री में, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हम लोग का वन होता है, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है हम लोग का,
वन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं रेशियो से। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, जो कॉट थीटा है इसको हम लोग यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा निकाल लें तो क्या आ जाएगा, बी सी बाय हम लोग का ए बी था तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी हो जाएगा, जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये क्या था, पी बाय बी था, क्या था, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग टेन अल्फा निकालें, क्या निकालें, टेन अल्फा, तो ये इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये हम लोग का क्या है, ए बी बाई बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, फिर से ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सिमिलरली सेक का उल्टा हम क्या बोले थे, कॉस होता है, क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सी बाई बी सी है, तो इसको जस्ट इसी का उल्टा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाइपोटेनस बाई बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ से सेक क्या लिखें, सेक अल्फा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, जैसे सेक अल्फा मेरा ए सी बाई ए बी है, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, फिर से ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग से पूछा जाए, हम लोग जैसे देखे थे कि कॉसेक का क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ देखे ना, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे ए सी बाई ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हम लोग का क्या, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से साइन अल्फा निकालें, क्या निकालें, साइन अल्फा, तो ये क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो ये मेरा ए सी बाई बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, या यही हम लोग का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या देखे, कि साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। यहाँ पे एंगल चाहे थीटा हो, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा लेते हैं तो यहाँ भी थीटा लेना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा लेंगे, दैट मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, जैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करें, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम लोग का साइन अल्फा इंटू कॉसेक, कॉसेक अल्फा ले लें, ये भी क्या हो जाएगा, वन। दैट मीन्स यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा लेंगे और ये एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिमिलरली हम लोग कॉस में भी कर सकते हैं कि कॉस अल्फा इंटू हम लोग क्या करेंगे, सेक अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहाँ अल्फा लिए हैं तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, अल्फा। सिमिलरली टेन में भी देखें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इंटू हम लोग क्या करेंगे, कॉट अल्फा, ये क्या हो जाएगा, फिर से वन हो जाएगा, ये भी फिर से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, कि टेन अल्फा क्या होगा या कॉस अल्फा क्या होगा, तो इसके अगर उसके अपोजिट से हम लोग रेसिप्रोकल से, तो क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीन जो हम लोग का ये प्राइम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वो क्या था, साइन था, कॉस था, और क्या था, टेन था, बाकी सब इसी का रेसिप्रोकल है। साइन का उल्टा हम लोग का कॉसेक आ गया, कॉस का उल्टा हम लोग का सेक आ गया, और टेन का रेसिप्रोकल हम लोग का क्या हो गया, क्वाट हो गया। बस ये एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने ये आज ट्रिगोनोमेट्री जो छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे वो हम लोगों ने फाइंड किया, कि देखा कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल के लिए, किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोग का जैसे फोर फाइव और सिक्स था, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकेंड, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये छह जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या होते हैं, इसको हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, या कुछ भी एंगल दिया हुआ है, तो उसके लिए इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।